हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही रिफ्रेशिंग और डिलीशियस जेली फालूदा शरबत। तो सबसे पहले हम जेली तैयार कर लेंगे। मैंने यहां पे पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है मीडियम हीट पे। पानी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जेली पाउडर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लजीज़ा के जेली पैक। इनके पैक के पीछे जो मेथड लिखा होता है मैं उसे ही फॉलो कर रही हूँ। बस इसमें पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अगर ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो जेली अच्छे से सेट नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं तीन फ्लेवर की बनाऊंगी, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरी। ये तीनों कलर बहुत अच्छे होते हैं शरबत में डालने के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं कलरफुल शरबत। तो इसी तरह से मैं तीनों बना करके अलग अलग कंटेनर में ठंडा करने के लिए रखूंगी और एक घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब हमने ले लिया है 2 कप मिल्क और मिल्क में बॉयल आ चुका है। और अब हम चूल्हे को कर देंगे मीडियम टू लो और लो हीट पे हम मिल्क को 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून बादाम, थोड़े से पिस्ते। इसी तरह इसमें डाल देंगे और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मिल्क में। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 छोटी इलायची भी क्रश करके डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो इसी तरह से लो हीट पे हम मिल्क को पकाएंगे। और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून चीनी। तो मैं यहाँ पे चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं कंडेंस मिल्क इसमें डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून चीनी इसमें डाल दें। बस ये सारी चीज़ें डाल करके अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पे पकाएंगे। और 8 से 10 मिनट में मिल्क का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और मिल्क को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। तो ये मिल्क हमारा रेडी है, अब हम इसे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम गिलास को सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा। आप चाहें तो जामे शीरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्लास में रू अफ़ज़ा को सेट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिस्ता फ्लेवर की आइसक्रीम। थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि अभी ग्लास में लेयर लगेंगी हर चीज़ की और हर लेयर में अच्छा सा टेस्ट आए और ग्लास का लुक भी बहुत अच्छा आए। तो मैंने भिगोए थे यहाँ पर सब्ज़ा सीड, जिसे तुख मलंग भी कहते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने भिगोए थे ठंडे पानी में और ये भीगने के बाद काफ़ी फूल जाते हैं। तो मैं गिलास में डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तीनों कलर की जेली। तो इसी तरह से हम हर चीज़ की लेयर लगाएंगे गिलास में थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे हम तीनों कलर की जेली डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये गिलास तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार शरबत है ये, बच्चों को बहुत पसंद आता है और रमज़ान में अफ्तारी के टाइम के लिए बेस्ट है और समर के लिए बेस्ट है। ज़रूर आप इसे ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं फालूदा सेव मैंने लिए थे, जिसे मैंने बॉयल करके 3 मिनट के लिए ठंडे पानी में डाल दिया था। तो फिर से हम थोड़ी सी आइसक्रीम डाल रहे हैं इसके ऊपर और फिर से थोड़ी सी जेली लगा लेंगे। बहुत कलरफुल फालूदा शरबत हमारा तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से तीनों जेली लगाने के बाद हम फिर से 1/2 टीस्पून सब्ज़ा सीड डाल देंगे। और अब हम फाइनली इसके ऊपर ठंडा मिल्क डाल रहे हैं। थोड़ा सा गिलास हमें ऊपर से खाली रखना है ताकि हम इसमें आइसक्रीम डाल सकें। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ा स्कूप भर के आइसक्रीम। तो ग्लास में हमारी हर चीज़ की लेयर लग चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त मेरा जेली फालूदा शरबत तैयार हो रहा है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी जेली और लगा लेंगे। इस तरह से हम फाइनल लुक तैयार कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये शरबत है, आप ज़रूर इसे बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
और बहुत रिफ्रेशिंग है। और इसी तरह से हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते भी लगाएंगे। और अब हमारा जेली फालूदा शरबत तैयार है। बहुत ही मज़ेदार कलरफुल ग्लास तैयार हुआ है। ज़रूर आप इसे इस तरह से ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा आपको ये फालूदा शरबत। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर लेके आऊँगी एक नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।